अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी से। आज हम सुबह मुँह धो के नाश्ता वगैरह करने के बाद पहुंच जाते हैं जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी। आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाऊंगी जो कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में होने जा रही हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटी में है सिट्रस मेला, इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में एक एक्सपो भी है, इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी में घोड़े वगैरह भी आएंगे, और इसके अलावा कार ड्रिफ्टिंग वगैरह भी होगी जो कि इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी वन बाय वन। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम पहुंच चुके थे सुबह सुबह यूनिवर्सिटी, और मुझे लग रहा था कि यूनिवर्सिटी हमें सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपो था वहाँ पर फ्रंट सीट हमें मिल चुकी थी और हम फ्रंट सीट पर आराम से टेक लगा के बैठ चुके थे। लेकिन यहाँ पर तो एक्सपो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा कम आए थे। ऐसा ऐसा रश होना स्टार्ट हो गई थी, कुछ कुछ लोग आना शुरू हो गए थे और अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठना शुरू हो गए थे। बाकी अब हम एक्सपो स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम मुंह उठा के कुर्सियों पर बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो मेला शुरू होगा और हम भी कुछ इंजॉय कर पाएंगे। बाकी अल्लाह का नाम लेकर एक्सपो स्टार्ट हो चुका था। इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह की थी, थोड़ा डांस वगैरह होने के बाद हमारा जो है एक्सपो स्टार्ट होने ही जा रहा था। बहुत ही मज़ा कुछ आने वाला था और जैसा कि इन्होंने कंपेयरिंग वगैरह में बताया था। लेकिन मज़े की यहाँ बात एक और हो गई कि जैसे ही एक्सपो स्टार्ट हुआ, इन लड़कों ने डांस वगैरह स्टार्ट करना शुरू किया, ये अपनी जगह ही बना रहे थे कि अचानक से लाइट चली गई और सारा मज़ा ख़राब हो गया। बाकी हम फिर भी वेट कर रहे थे लाइट आने का, लेकिन जब बहुत देर हो चुकी थी और लाइट नहीं आई, हम बैठे बैठे काफ़ी बोर हो चुके थे, तो हमने सोचा कि अब एक्सपो से बाहर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर आ गए थे हम एक्सपो से बाहर, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा डांस वगैरह हो रहा था जो हम यहाँ खड़े होकर इंजॉय कर रहे थे। बाकी आपको साथ साथ दिखाएंगे। मुझे तो समझ आ रही होगी इंजॉय करने के बाद। अब हम आ चुके थे बाहर और यहाँ पर भी बहुत इंजॉयमेंट वगैरह थी, काफ़ी लोगों का रश वगैरह था। बाकी हम यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं कार ड्रिफ्टिंग वगैरह और हॉर्स वगैरह दिखाते हैं, बाकी इंजॉय कीजिए। A few moments later. Oh.
यूनिवर्सिटी के नौजवानों का डांस वगैरह एंजॉय करने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कैंसर की। सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं यूनिवर्सिटी के लड़कों पे जो कि रिलेशनशिप में होते हैं, जो सुबह 7 बजे टाई वगैरह लगा के कैंटीन में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वर्ल्ड कप में मेहमान खसूसी हों। और ये लोग छोड़े हों भी क्यों नहीं, जिनको अपने गाँव में मांगने पर साइकिल कोई नहीं देता। जब पापा की परी 250 ग्राम आटा लगा के साथ बैठ के नाश्ता करेगी तो जोड़े तो होंगी। और नाश्ता भी इनका होता क्या है, एक पराठा और 30 के चने, और खा ऐसे रहे होते हैं जैसे इनकी ये खुराक हो। और दोनों यही सोच रहे होते हैं कि बिल कौन देगा। इन सब की बैकग्राउंड सुन लो, लड़की के पापा सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी बड़ी कंपनी के CEO के लेफ्टी होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड, कुछ और ना समझ लेना। और लड़के के बकौल 50 किले नहर के साथ 60 मुरब्बे रोड के पास और बाकी मुरब्बे भूल ही गए हैं कि हैं किधर। और पीछे घर वाले एक मरले के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सब करने के बाद एक सेमेस्टर में ये जस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं। और फिर 4 दिन साथ रहने के बाद इनके फोन नंबर और FBID अपडेट हो जाती है, जिसके कुछ इस तरह के नाम होते हैं, दानिश की हूँ यार, खुरम की हूँ यार, निसार की हूँ यार, जो कि कुछ इस तरह से होने चाहिए थे, खुद गर्ज हूँ यार, असाइनमेंट के लिए हूँ यार। और लड़के के नाम के साथ ऑफिशियल लग जाता है, दानिश अली ऑफिशियल, इट्स रजा ऑफिशियल। फिर होते हैं ड्रामे शुरू। लड़की हॉस्टल में 3-3 रोटियां खा के कह रही होती है, मैं कुछ नहीं खाना, मैं नाराज़ हूँ। इधर काके का 2 लीटर खून सूख जाता है। तो बात हो रही है ऐसी मखलूक की जिनके काम तो मियाँ बीवी वाले होते हैं, लेकिन ये जस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं, इतने भी मियाँ बीवी वाले नहीं होते। बस कंधे पर सर रख लेते हैं, हाथों में हाथ डाल लेते हैं, आँख से मच्छर निकाल देते हैं, खाना खिला देते हैं, रात को 4-6 घंटे कॉल पे बात कर लेते हैं, क्लास लेने साथ पहुंच जाते हैं, लेक्चर के बाद 2 घंटे यूनिवर्सिटी में मटर गश्त कर लेते हैं, नोट्स साथ बैठ कर बना लेते हैं। भाई साहब होते ही जस्ट ये फ्रेंड्स ही हैं। बाकी इन काका काकी के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो इनका नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो व्लॉग देखना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।